संविधान के दायरे में होगा, संविधान से बाहर जाकर नहीं हो सकता। और इस देश का संविधान संघीय ढांचे की बात करता है, इस देश का संविधान चुनी हुई सरकारों को अधिकार देने की बात करता है। तो आप भारत के संविधान से बाहर जाकर कोई अध्यादेश कैसे ला सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी की सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को, संविधान पीठ के फैसले को एक अध्यादेश से बदल देती है, एक ऑर्डिनेंस से बदल देती है। दिल्ली का गैर चुना हुआ एलजी 2 करोड़ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के ऊपर है। एक पिता अगर संविधान का गला घोटने पर तुला हो और एक पिता एक चुनी हुई सरकार को मारने पर जुट जाए तो देश की स्थिति क्या होगी, यह समझा जा सकता है। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे लोकप्रिय नेता जिसको दिल्ली की जनता ने 3 बार चुना, प्रचंड बहुमत से चुना, 90% से ज्यादा सीटें देके चुना, उस लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल से इतने डरे हुए, इतने भयभीत हैं कि उनका एक ही मकसद है, कुछ भी हो जाए इस सरकार को चलने नहीं देना है। कुछ भी हो जाए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की 2 करोड़ जनता के हितों में काम नहीं करने देना है। कुछ भी हो जाए दिल्ली के बच्चों की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनना चाहिए, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा नहीं होनी चाहिए, बिजली फ्री नहीं मिलनी चाहिए, शिक्षा मुफ्त में नहीं मिलनी चाहिए, इलाज मुफ्त नहीं मिलना चाहिए, घर घर राशन नहीं पहुंचना चाहिए। कुछ भी हो जाए इन सारे कामों को रोकना है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने यह अपराध कैसे कर दिया कि अपने बेटे को 90% सीट देकर मुख्यमंत्री बना दिया। इसको रोकना है। और कैसे रोका जा रहा है? 8 साल की लंबी लड़ाई चलती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला आता है, 5 जजों का, सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों का फैसला आता है, और वो फैसला सर्वसम्मति से आता है। क्या कहा जाता है उस फैसले में? कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की जिम्मेदारी होगी, इसलिए कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के प्रति एक चुनी हुई सरकार की जवाबदेही है। यह फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद 2 दिन भी नहीं बीतता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को, संविधान पीठ के फैसले को एक अध्यादेश से बदल देती है, एक ऑर्डिनेंस से बदल देती है। कहती नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट, नहीं मानते संविधान पीठ, नहीं मानते इस देश का संविधान, नहीं मानते इस देश का कानून, और ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, एक काला अध्यादेश, एक तुगलकी अध्यादेश, एक ऐसा अध्यादेश जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है, जो भारत के संविधान के खिलाफ है। और ये सवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है, यह सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है, यह सवाल है भारत के महान लोकतंत्र का, यह सवाल है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का, यह सवाल है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान का, कि वो संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। यह सवाल है देश की सर्वोच्च न्यायालय का, कि उस न्यायालय की प्रतिष्ठा, उसके अधिकार और उसके आदेश बचेंगे या नहीं बचेंगे। यह तो आपातकाल की स्थिति है, जब न्यायालय का फैसला आप पलट दे रहे हैं। यह तो आपातकाल की स्थिति है कि जो आप चाह रहे कर रहे हैं। ऐसी तानाशाही, ऐसी बददिमागी, आप कल्पना कीजिए जब इस सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री को एक पिता की भूमिका में होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को एक अभिभावक की, एक पिता की भूमिका में होना चाहिए,
और सभी राज्य सरकारों को समान दृष्टि से देखते हुए उनके अधिकार देने चाहिए। लेकिन यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एक पिता अपने बच्चे की बर्बादी पर तुला हो, एक पिता अपने बच्चे के लोकतंत्र का गला घोटने पर तुला हो, एक पिता अगर संविधान का गला घोटने पर तुला हो और एक पिता एक चुनी हुई सरकार को मारने पर जुट जाए, तो देश की स्थिति क्या होगी, यह समझा जा सकता है। तो इसलिए यह जो फैसला आया है, यह सीधे तौर पे बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री को न इस देश के लोकतंत्र में यकीन है, न इस देश के संघीय ढांचे में यकीन है, भारत के प्रधानमंत्री को न इस देश के चुनी हुई सरकारों में और जनता की सुविधाएं देने में यकीन है, और ना ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय और संविधान में यकीन है। उनको सिर्फ तानाशाही करनी है, उनको सिर्फ डंडे से सरकार चलानी है। और आज ये जो फैसला है ऑर्डिनेंस का, मैं समझता हूं सर्वोच्च न्यायालय में तो जाएगा ही, और वहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस तानाशाही पूर्ण फैसले का संज्ञान लेगा। लेकिन कितनी मजेदार बात है, कह रहे दो अफसर मुख्यमंत्री के ऊपर है, दिल्ली का गैर चुना हुआ एलजी 2 करोड़ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के ऊपर है। तो फिर यहां चुनाव कराने का, विधानसभा के गठन का, सर्वोच्च न्यायालय ने जिन बातों का स्पष्ट रूप से लिखा, उन बातों का क्या मतलब रह गया? कोई भी परिवर्तन, कोई भी अध्यादेश संविधान के दायरे में होगा, संविधान से बाहर जाकर नहीं हो सकता। और इस देश का संविधान संघीय ढांचे की बात करता है, इस देश का संविधान चुनी हुई सरकारों को अधिकार देने की बात करता है, तो आप भारत के संविधान से बाहर जाके कोई अध्यादेश कैसे ला सकते हैं? भारत के संविधान से बाहर जाके कैसे कोई कानून लेके आ सकते हैं? तो इसलिए इस बात को पूरा देश देख रहा है कि आज एक ऐसा नेता जो दिल्ली में दिन रात लोगों की सेवा करना चाहता, काम करना चाहता है, एक ऐसा नेता जो आपकी जिंदगी में, आपके आपके बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहता है, बुजुर्गों की सेवा करना चाहता है, आप सोचिए एक संवेदनशीलता का उदाहरण कि एक मुख्यमंत्री ने एक वीडियो देखा जिसमें महिलाओं के लिए बस नहीं रोकी जा रही थी, उस कंडक्टर के खिलाफ 2 मिनट के अंदर कार्रवाई करते हैं। यही नहीं चाहते मोदी जी, चाहते नहीं, वो महिलाएं तो परेशान रहनी ही चाहिए क्योंकि उन्होंने केजरीवाल को चुना है, ये बुजुर्ग तो पैसा परेशान रहना ही चाहिए, इनको कैसे तीर्थ यात्रा मिल रही है, इनको कैसे बुढ़ापे की पेंशन मिल रही है, कैसे विधवा पेंशन मिल रही है, इनको तो परेशान रहना ही चाहिए क्योंकि इन्होंने केजरीवाल जी को चुना है। कैसे गरीब आदमी का बच्चा इतने अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ रहा बताओ, मोदी जी के रहते ये संभव है? कैसे उन बच्चों के मां बाप ने केजरीवाल जी को चुन लिया? कैसे गरीब के घर में रोशनी आ रही है, 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है? ये अगर ऐसी धारणा भारत के प्रधानमंत्री की होगी, ऐसी धारणा भारतीय जनता पार्टी की होगी, तो मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, आप भी जरा सोचिए इन लोगों के बारे में, जरा ध्यान दीजिए कैसे लोग बैठ गए हैं, कैसी घृणित और नफरत की मानसिकता के लोग इस देश की सत्ता को चला रहे हैं। जरा गंभीरता से आप लोग एक मिनट लगा के सोचिए, क्या ऐसे लोगों के हाथ में देश सुरक्षित है जो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हैं, जो आपके मोहल्ला क्लिनिक और घर घर के राशन की योजना रोकने पर तुले हुए हैं, जो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का काम रोकने पर तुले हुए हैं, जो भारत के संविधान को पलटने पे तुले हुए हैं, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा को खत्म करने पे तुले हुए हैं? ये सवाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नहीं है, भारत के महान लोकतंत्र
और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान का है। और मैं समझता हूं कि जब ये मामला फिर से सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाएगा तो निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन बातों का संज्ञान लेगा। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई प्रश्न? आप लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, उस पे सरकार फैसला लेगी और मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे कि उसमें क्या उनको करना है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जो फैसला आया है ये सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ और सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले को पलटने का अध्यादेश है, जो कोई मामूली बात नहीं है, जो सामान्य बात नहीं है। और ऐसे तो फिर देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा और निश्चित रूप से इसका संज्ञान सर्वोच्च न्यायालय लेगा। देखिए, सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेंगे और मुझे लगता है कि संसद तक ये पहुंचेगा ही नहीं, उसके पहले ही सर्वोच्च न्यायालय इस फैसले को संज्ञान में लेते हुए, इस अध्यादेश को संज्ञान में लेते हुए अपना निर्णय देगा। लेकिन जब संसद में आएगा तो उस वक्त क्या होगा ये आप देखिएगा। मैं समझता हूं कि संपूर्ण विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इस मामले में दिल्ली सरकार के साथ और केजरीवाल जी के साथ और दिल्ली की जनता के साथ खड़ा होगा, ऐसा मैं मानता हूं और ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन संजय जी, जब ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तभी से बीजेपी के नेता ये कहने लगे थे कि इसको लेकर कानून लाया जा सकता है। अब जब ये अध्यादेश लाया गया, सभी बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि आप अधिकारियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकियां तक मिल रही हैं, तो फिर ऐसे में इनकी रक्षा कौन करेगा? जो लोग ऑर्डिनेंस ला के अधिकारियों की, दागदार अधिकारियों की सेवा बढ़ाते हैं, जो लोग रिटायरमेंट के बाद भी कमिश्नर और ईडी डायरेक्टर और सीबीआई के डायरेक्टर के पोस्ट पर अपने चहेते, अपने उंगली के इशारे पर नाचने वाले लोगों को अपॉइंट करते हैं, जो लोग अपने खिलाफ एक शब्द बोलने वाले अधिकारी को न सिर्फ हटाते हैं, सस्पेंड करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, बल्कि उठा के उसको जेल में बंद करके सड़ाते हैं, वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे, हमने तो जो सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकार दिया उसका पालन हम कर रहे थे और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देश संघीय ढांचे से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, चुनी हुई सरकार से चलेगा, संविधान के दायरे से चलेगा। तो जब हमको ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संविधान पीठ ने दिया, तो उस पर हम अगर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, एक दो ट्रांसफर पोस्टिंग, उस पर खड़े होकर चिल्ला रहे हो, मतलब तानाशाही की पराकाष्ठा है और क्या कहेंगे इसको। देखिए, 2016 में जब क्रांति मानी गई थी, उस वक्त भी केजरीवाल जी ने कहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। तब भाजपाइयों ने क्या कहा, हमारे देश के चौथी पास राजा ने कहा कि 2000 की नोट आने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मित्रों, अब वही चौथी पास राजा कह रहा है 2000 की नोट खत्म करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मित्रों, ऐसे अनपढ़ आदमी को अगर देश का प्रधानमंत्री बनाओगे तो दिन रात कोई भी आके कुछ भी समझा के फैसला लेके चला जाएगा। ये क्या मजाक बना रखा है आपने? जब आप 2000 का नोट लाते हैं तो कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कितने बड़े बड़े दावे किए गए थे। कुछ लोग तो ये बता रहे थे कि 200 फीट नीचे अगर नोट गड़ी रहेगी तब भी चिप से पता चल जाएगा, ऐसा करिश्मा सब बता रहे थे। और अब कह रहे हैं 2000 नोट का बंद, 2000 की नोट बंद होने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इस देश की जनता को मूर्ख समझ रखा है क्या भाई? इंटायर पॉलिटिकल साइंस की तुम्हारी डिग्री हो सकती है,
उस डिग्री का पता ना चले यह भी हो सकता है, लेकिन देश का बेड़ा गर्क मत करो, देश को ऐसी मुसीबत में मत डालो। अब होगा क्या, मोदी जी कह रहे हैं मित्रों जितना घर में दो दो हजार का नोट रखे हो सब हमारे बैंक में जमा कर दीजिए, हमारा मित्र जो है अडानी वो लाखों करोड़ के घाटे में चल रहा है, उसको बैंक से उठा के कर्जा देना है, यही है और क्या है। मित्रों जितना 2000 का नोट रखे हो किसान भाइयों माताओं बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों सब 2000 का नोट बैंक खाली कर दिया है अडानी ने, वहां पे जमा कर दीजिए, हम उठा के फिर 2000 का नोट उसको कर्जा में देना है, यही है और क्या मतलब है इसका। अडानी ने हिंदुस्तान का लाखों करोड़ रुपए बैंकों का चाट लिया है, खा लिया है, खत्म कर दिया है। 2.5 लाख करोड़ रुपए LIC में निवेशकों का डूबा है, 2.5 लाख करोड़ रुपए जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप। 11 लाख करोड़ रुपए भारत के प्रधानमंत्री ने चंद्र पूंजीपतियों का माफ किया है, 3.5 लाख करोड़ रुपए हेयर कट के नाम पे चंद पूंजीपतियों का माफ किया है, और अब कह रहे हैं जितना घर में 2000 का नोट है सब बैंक में जमा करो, उठा के अडानी को देना है, क्योंकि हमारा दोस्त घाटे में कैसे रह सकता है हमारे रहते हुए, ये मकसद है और क्या है। तो ऐसा अनपढ़ मूर्ख गैर पढ़ा लिखा आदमी अगर देश का प्रधानमंत्री होगा कब क्या करेगा आपको पता नहीं चलेगा। एक बंदर के अस्तूरे की कहानी मैंने बचपन में सुनी थी, वो पहले राइट में अस्तूरा मारता है, फिर लेफ्ट में अस्तूरा मारता है, फिर सीधे अस्तूरा मार लेता है। तो बंदर के हाथ में अस्तूरे वाली कहानी है, सीधे मार लिया उन्होंने।